नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश गुजरात में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष की पार्टियां लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। तो अब बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए साध्वी निरंजना ज्योति ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर दंगा हो रहा है तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे जा रहे हैं, क्या वहाँ देश खतरे में नहीं है। इसके साथ ही साध्वी निरंजना ज्योति ने यह कहा है कि ममता बनर्जी को अपना नाम बदल के क्रूरता रख देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कत्ले आम हो रहा है लेकिन ममता बनर्जी वहां पे चुपचाप बैठी हैं। हम आपको बता दें कि झांसी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति वहां पहुंची हुई थी। वहां पे उन्होंने बात संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गुंडागर्दी कराने वाली ममता नहीं है, उनका कुछ और नाम रखना चाहिए। अब दंगा होता है तो कौन मारा जाता है, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कितने दंगे होते थे। आज कोई दंगा हुआ 2017 के बाद से पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में यदि दंगा हो रहा है तो हिंदू और मुसलमान दोनों मारे जा रहे हैं, क्या उस सरकार पर कोई नहीं बोलेगा? नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि वहाँ खतरे में नहीं देश। और मैं तो कहती हूँ ममता तुम अपना नाम बदल लो भाई। ममता का मतलब होता है माँ होती है ना, वो ममता के रूप होती है। एक बार बच्चा भी शरीर में गंदगी कर देता है ना, माँ उसको भी साफ करके उसको उतने प्यार से रखती है। लेकिन ममता का नाम तो कुरूपता होना चाहिए कि जहाँ जिस तरह से वहाँ बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जा रही है, लोगों के कत्लेआम खुलेआम हो रहा है, ममता चुपचाप बैठी, उनके गुंडे हावी। ये बहुत बड़ी विडम्बना है, एक महिला के क्षेत्र में, एक मातृशक्ति के क्षेत्र में इस तरह के गुंडागर्दी करने वाले लोग खुलेआम लोगों के घर जलाएं, तो मुझे लग रहा है कि ममता नहीं है। अब वो और कुछ नाम रख दीजिए तो अच्छा रहेगा। दीदी एक सवाल। इसके साथ ही साध्वी निरंजना ज्योति ने यह भी कहा है कि अगर देश के मुसलमानों का किसी ने भला किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि केंद्र की सारी योजनाएं जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी मिली है, चाहे आवास की योजना हो चाहे कोई अन्य योजना हो। इसको साध्वी निरंजना ज्योति ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस देश में खत्म हो रही है उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने उस समाज का शोषण किया वोट बैंक का माध्यम बना करके। भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ 2014 से 2017 में प्रदेश से कौन सा मुसलमान खतरे में? यही प्रदेश है जहाँ दंगे होते थे सपा सरकार में। दंगा होता है तो हिंदू अकेले नहीं मारा जाता, मुसलमान भी मारा जाता है। कोई दंगा नहीं हो रहा, कोई फसाद नहीं हो रहा है। और यदि मुसलमानों का भला किसी ने किया है, उन गरीबों का, तो मोदी जी ने किया है। हिंदू को आवास दिया है तो हमने गरीब मुसलमानों को भी दिया। हमने कभी किसी के साथ धोखा नहीं दिया है। ये धोखेबाज लोग हैं भयभीत करके कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमान खतरे में हो जाएगा। कोई खतरे में नहीं है। हाँ, इनकी राजनीतिक मानसिकता खतरे में जरूर है। और यही स्थिति रही तो जिस तरह से कांग्रेस खत्म हुई है वैसे सपा भी खत्म। क्या मानेंगे आप, मुसलमान पहले खतरे में था?